सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू सॉल्व ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, अपने अपने ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, अब अपने सैमसंग गैलेक्सी फोन के अंदर, तो मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इजिली क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यदि फिर अगर वैसे बार बार बंद हो जाता है फ्रेंड्स, आपका फोन अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है आपको, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसलिए क्या करना पड़ा आपको करेगा फ्रेंड्स, आपको सेटिंग्स ओपन कर लेना है। सेटिंग्स ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं डिस्प्ले का ऑप्शन शो होता है, तो डिस्प्ले पर क्लिक कर लेते हैं। डिस्प्ले पर क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, नीचे तब स्क्रॉल डाउन करना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको स्क्रीन टाइम आउट पर क्लिक करना है। आपको फ्रेंड 10 सेकंड 15 सेकंड पे आपको तो क्या करना फ्रेंड, 30 मिनट पर क्लिक करना है इजिली। 30 मिनट 10 मिनट पे क्लिक करते ही फ्रेंड जो आपका स्क्रीन प्रॉब्लम है फ्रेंड वो सॉल्व हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।